अगर आपने 10th पास कर लिया है, या फिर आपने 12th पास कर लिया है, या फिर आप ग्रेजुएटेड हैं वो भी साइंस सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुप्रिया और आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, CIPET JEE से रिलेटेड क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक एक्टिव है, स्कोप क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है एसेट्रा, इन सब के ऊपर मैं आज बात करूँगी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जब वो 10th स्टैंडर्ड में होते हैं तो वो अपने करियर से रिलेटेड सोचने लगते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरे लोग करना चाहते हैं वो उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। और अगर हमने मान लीजिए 12th पास भी, या फिर अभी हम 12th स्टैंडर्ड में है या पास कर लिया है, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन हमें ये डाउट रहता है कि क्या ये पर्टिकुलर कोर्स हमारे लिए सही रहेगा या फिर नहीं। इसी तरीके से लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको आगे नहीं पता होता है कि अब आगे क्या करना है, MSc में इंटरेस्ट नहीं रहता क्योंकि उनको डाउट रहता है MSc भी कर लेंगे तो भी क्या करियर स्कोप रहेगा उस चीज़ से रिलेटेड। तो फिर आप बेफिक्र हो जाइए, आज हम बात करेंगे CPET से रिलेटेड, प्लास्टिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आप अपने घर के चारों ओर देखें तो वॉशिंग मशीन ले लीजिए, टेलीविज़न ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, आप अपना ले लीजिए, मम्मी का ले लीजिए, पापा का ले लीजिए, हर किसी में प्लास्टिक यूज़ होता है, isn't it? तो फिर प्लास्टिक इंजीनियरिंग में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक डिप्लोमा से रिलेटेड, इसे CPET को अब हम बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कोर्सेज के बारे में बताऊंगी, फिर एक एक करके इन कोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है और क्या एज लिमिट वगैरह है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कोर्सेज की बात करें, सो द फर्स्ट कोर्स इज़ डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPT बोलते हैं। सेकेंड कोर्स इज़ DPMT, जिसका मतलब है डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। थर्ड कोर्स इज़ पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन विद CAM, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PDPMT विद CAD या CAM बोलते हैं। देन अनदर कोर्स इज़ PGD PPT, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया, PGD PPT बोलते हैं। अब हम एक एक करके इन कोर्सेज के ऊपर जंप करते हैं, क्या क्या कोर्सेज के अंदर हम कितने सेमेस्टर्स होते हैं, कितने साल का होता है। तो सबसे पहले अगर हम DPT कोर्स की बात करते हैं, दैट इज़ डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, तो ड्यूरेशन क्या होता है इस कोर्स का, दैट इज़ 3 ईयर्स, 3 साल का ये कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर्स होते हैं और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। अब हम यहाँ पर एंट्री क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो भी आप इस डिप्लोमा को आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं और तो फिर ये कोर्स आपके लिए 3 साल का होगा, और अगर आप 12th पास हैं तो भी आप इस डिप्लोमा को कर सकते हैं, तो फिर ये जो डिप्लोमा है वो आपके लिए 2 साल का होगा। और अगर आप ITI पास हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फुल टाइम 10th स्टैंडर्ड पास, और अगर अभी तक आपका मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। देन सेकेंड कोर्स इज़ DPMT, दैट इज़ डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। सेम, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया बट आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो भी आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए 10th पास हो चुके हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। 12th क्लास अगर आपने पास कर लिया है, वो भी साइंस सब्जेक्ट से, तो फिर आप इस कोर्स को करेंगे तो 2 साल का होगा, और अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो फिर ये 3 साल का होगा आपके लिए। देन द थर्ड वन इज़ पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन विद CAD और CAM। ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स की, दैट इज़ 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल का ये कोर्स होगा, जिसके अंदर 3 सेमेस्टर्स होंगे और इसमें कोई एज लिमिट नहीं होगी। देन वी हैव एंट्री क्वालिफिकेशन क्या होगा, फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा आपने किया हो इन मैकेनिकल्स या प्लास्टिक या पॉलीमर या टूल या ऑटोमोबाइल, इन सब से। देन
Another course is PGD PPT, that is post graduate diploma in plastic processing and testing. तो अगर आप graduated हैं तो फिर ये course आपके लिए ही बना हुआ है. यकीन मानिए ये courses ऐसे हैं actually कि market में इनकी बहुत ज़्यादा demand है. कुछ courses ऐसे हो जैसे agriculture, food technology और प्लास्टिक प्रोसेसिंग, ऐसे बहुत आगे मैं बात करूँगी कौन कौन सी कंपनीज़ है जो हायर करती हैं इन स्टूडेंट्स को. मतलब अनलिमिटेड कंपनीज़ हैं, अनलिमिटेड कंपनीज़. आप किसी भी सेक्टर में चले जाएँ वहाँ पर प्लास्टिक यूज़ होगा ही होगा. तो फिर अगर आप करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली मैं अगर आपको अपने करियर में अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पैरामेडिकल कोर्स करें ना करें, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, आपके पास 10th 12th में बायोलॉजी थी या ग्रेजुएशन में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या ये सब कुछ था, तो फिर आगे अगर आपको आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकते हैं. जैसे कि मैं PGD PPT की बात कर रही थी, तो ड्यूरेशन इसका रहेगा 2 साल का और एज लिमिट नो एज लिमिट. एंट्री क्वालिफिकेशन आपने फुल टाइम 3 ईयर डिग्री इन साइंस ली हो या फिर अभी आप फाइनल एग्ज़ाम अभी आपने दे दिए हैं और अभी रिज़ल्ट नहीं आया है तो भी आप इस कोर्स को कोर्स के लिए एलिजिबल हैं. तो जैसे मैंने बताया जो लोग भी ग्रेजुएटेड हैं आगे आपको अपनी फील्ड में नहीं समझ में आ रहा कि आपको अपनी फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको डाउट है कि करियर का क्या होगा, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो जो भी कोर्सेज थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए. अब हम यहाँ पर बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की. फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी? फर्स्ट इज़ PGD PPT. टोटल फीस यहाँ पर रहेगी 23,650. देन वी हैव PGPMD विद कैट और कैम, तो इसकी फ़ीस रहेगी ₹23,650. देन वी हैव DPMT, तो इसकी फ़ीस रहेगी ₹20,550. देन वी हैव DPT, दैट इज़ डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, तो इसकी फ़ीस रहेगी ₹20,550. अब हम बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ की. तो यहाँ पर जो रूम्स होंगे वो ₹10,000 के होंगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा मेस चार्ज और 1,000 प्लस मेस प्लस ड्रेस चार्जेस भी आपसे लगेगा. और कॉशन मनी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होगा वो ₹1,000 लगेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट हॉस्टल फैसिलिटीज़. तो ये पूरा पर ईयर का मैंने बताया ₹10,000. ठीक है, अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं CIPET सेंटर से रिलेटेड, तो बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो आप अपने स्टेट या सिटी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे CPET के मैं कुछ सेंटर्स के नाम ले लेती हूँ, जैसे ग्वालियर, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लाइक ग्वालियर, जयपुर, देहरादून, चेन्नई, बद्दी, रांची, भोपाल, लखनऊ, ऐसे बहुत सारे, गुवाहाटी, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं. तो आप अपने स्टेट या सिटी के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आप जाना पसंद करेंगे वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं. अब हम यहाँ पर प्लेसमेंट की बात करते हैं, इसके स्कोप की बात करते हैं. तो देखिए, अगर हम यहाँ पर प्लेसमेंट या स्कोप की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इसका बहुत अच्छा स्कोप है. अभी अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, सो जस्ट बिलीव मी, आप इस कोर्स को कर सकते हैं और अपनी जो अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं. क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ, मेरे रिलेशन में भी हैं एंड मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भी हैं जिन्होंने इस कोर्स को किया हुआ है एंड दे आर अर्निंग. मतलब स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए वो 12th पास हैं और उन्होंने फिर इस कोर्स को किया, तो 15,000-20,000 उनकी स्टार्टिंग सैलरी की स्टार्ट हो जाती है. प्लेसमेंट आपको बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी जैसे नोकिया, LG, वर्लपूल, वीडियोकॉन, सिंटेक्स. जैसे कि आपने आपके घर में सिंटेक्स टंकियाँ लगी होती हैं, टैंक्स लगी होती हैं, सिंटेक्स, तो उस कंपनी में भी आप आपको आप काम कर सकते हैं. और जैसे नील कमल जो प्लास्टिक चेयर्स और जो फर्नीचर्स बनाते हैं, उधर पे आपको प्लेसमेंट मिल सकता है. और करियर और गोदरेज कंपनी है, HCL हो गई, BPL हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसी बहुत सारी कंपनियाज हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं. और आपने जैसे कि ग्रेजुएटेड हैं आपको अब लाइफ में आगे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सो जस्ट बिलीव मी, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए. और जो ये CPET है, इस इंस्टीट्यूट से जब आप करेंगे तो ऐसा होता है कि 90-95% लोग का प्लेसमेंट हो ही जाता है.
जस्ट ट्रस्ट मी 90-95% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता ही होता है, बल्कि मैं तो कम परसेंटेज लेकर चल रही हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, सॉरी फॉर दिस साउंड, अगर अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म अभी एक्टिव हैं, आप जाके फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एग्ज़ाम डेट की बात कर लेती हूँ कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो 4th week of July 2021 में होगा। और मैं आपसे सजेस्ट, 2nd week of July में इस ये जो फॉर्म है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी जाकर, जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं, प्लीज़ जाके फॉर्म फिल करिए। काउंसलिंग जो होगी वो 1st week of August से स्टार्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस से रिलेटेड बात करते हैं, तो जनरल और ओबीसी के लिए ₹500 रहेगी एंड एससी एसटी की ₹250 रहेगी एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ₹100 रहेगी। सो मैं जो भी इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू सीपैट वो मैंने आपको बता दी है, और आई होप सो कि आप इस फॉर्म को फिल करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।